ओ भाई, माइक्रोसॉफ्ट ने वीडियो स्पॉन्सर कर दी क्या कि आज माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बातें हो रही हैं, गूगल को हम लोगों ने अबैंडन कर दिया है एंड यहाँ पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्यों मैंने गूगल क्रोम को अबैंडन कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया एंड अब से क्यों मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ करना शुरू कर दिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि क्यों मैं माइक्रोसॉफ्ट एज की तरफ शिफ्ट हुआ हूँ, क्या आप लोग भी माइक्रोसॉफ्ट एज की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, क्या आप लोगों को करना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वाले वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाना। इन बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो देवियों और सज्जनों, अब हम लोग आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एज का नया यूआई देखने को मिल रहा है। ये नया यूआई नहीं है, बेसिकली यहाँ पे एक थीम मैंने डाउनलोड की हुई है जिसकी वजह से ये जो यूआई है ना बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग भी रहा है। यहाँ पे कोई भी चीज़ में स्पॉन्सर नहीं है। अगर आप लोगों को ये वाली थीम डाउनलोड करनी है तब आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, टोटली फ्री रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो मैं यूआई की बात कर रहा हूँ ना, ये हमारा पहला फीचर है। अगर आप लोग गूगल के साथ इसको कंपेयर करते हो, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, तो गूगल का जो यूआई है ना वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर इसके अंदर मैं थीम्स भी डाउनलोड कर दूंगा ना, मैंने इसके अंदर ऑब्वियसली डाउनलोड करके देखी हुई हैं थीम्स, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। अगर आप लोग मेरी बात पर ट्रस्ट करोगे तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा थीम्स अच्छी नहीं होती हैं। यहाँ पर एक बेसिक सा यूआई आप लोगों को देखने को मिलता है। चाहे आप लोग सफारी की बात करो, सफारी के अंदर तो और भी घटिया यूआई आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो यूआई की बात है ना, तो यहाँ पर जो यूआई है दैट इज मच बेटर इन माइक्रोसॉफ्ट एज। मैं मेनली पहले गूगल क्रोम या फिर सफारी को यूज़ करता था, लेकिन जो यूआई मैंने माइक्रोसॉफ्ट बिंग के अंदर देखा है ना, दैट इज लीग्स अहेड ऑफ एनी ब्राउजर। अगर आप लोग गूगल क्रोम की बात करो, अगर आप लोग सफारी की बात करो, आप लोग फायरफॉक्स की बात करो, आप लोग ओपेरा की बात करो, आप लोग किसी भी ब्राउजर की बात करते हो ना, तो जो यूआई है ना दैट इज मच बेटर। एंड ये चीज़ आप लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर भी हो सकती है। यहाँ पे मुझे पर्सनली ये यूआई बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड इसकी जब भी मैं थीम लगा देता हूँ ना तो मुझे और भी ज़्यादा अपील करता है ये वाला यूआई। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है ये वाली चीज़। अब मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट मिल जाती है। अब सपोज करो आप लोग कोडिंग कर रहे हो एंड आप लोगों को कोई भी एक क्वेश्चन पूछना है। अब आप लोग ट्रेडिशनली क्या करते थे कि अगर आप लोगों के पास कोई भी एरर आया, कोई भी क्वेश्चन आया, तब आप लोग उसको सर्च करते थे। यहाँ पे आप लोग सर्च करते थे कि यहाँ पे गूगल क्रोम को डाउनलोड करना है, हाउ टू चेंज द डिफॉल्ट गूगल डॉक्स अकाउंट, ये सारी चीज़ें, लेंसा AI फ्री अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके बाद मैं कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा एंड वहाँ पे से रिजल्ट्स को पढ़ूंगा। अब सपोज करो कि मैं इसी सेम चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंसा AI फ्री अल्टरनेटिव्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लिखा एंड उसके बाद मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आंसर्स आ जाएंगे। मुझे यहाँ पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे टैब्स के अंदर से देखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास फिल्टर्ड रिजल्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, उसके बेसिस पे मैं अपना डिसीजन यहाँ पे बना सकता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल लिस्ट इसने बना के दे दिया, मेरे पास कोई भी फालतू तो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, मेरे पास कोई भी एड्स नहीं आएंगी, जिसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। अब सपोज करो कि अगर आप लोग पाइथन का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों के पास एरर आ रहा है कि पिप कमांड नॉट फाउंड एरर इन पाइथन। अब आप लोग इसको गूगल के ऊपर सर्च करते ही, अभी मैं आप इसको बिंग के ऊपर सर्च करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बेसिकली जो इसका AI है ना उसके ऊपर मैं आप लोगों को सर्च करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे डाला, उसके बाद मेरे को यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये मेरे को आंसर दे देगा उस क्वेश्चन का। यहाँ पे मेरे को पता है कि यहाँ पे आंसर मेरे को ऑब्वियसली मिलने वाला है, तभी मैं यहाँ पे सर्च भी नहीं करूँगा उस चीज़ के बारे में। तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया, द एरर पिप नॉट फाउंड, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पे लिख के आ गया। अब मैं यहाँ पे से इसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है ये सारे के सारे लिंक यहाँ पे दे दिए हैं, मैं यहाँ पे से जाके देख सकता हूँ कि अगर मेरे को एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में देखना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस करती है। अगर मेरे को कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछना है ना, मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ। अगर मुझे कोई भी वीडियो की स्क्रिप्ट के लिए कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ। अगर मेरे को कुछ भी एरर आ रहा है रिएक्ट नेटिव के अंदर आ रहा है, आप लोगों के बैकएंड के अंदर एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ। अगर मेरे पास कुछ भी इन जनरल क्वेश्चन हैं तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। अब मेरी बहुत ज़्यादा आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के अल्टरनेटिव्स ढूंढता हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डाल सकता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग भी सर्च कर सकते हो एंड आप लोगों को भी ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। चैट जीपीटी का कितना हल्ला मचा था इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, हम सबको पता है। अब चैट जीपीटी को जब माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है ना, तो ये ब्राउज़र अभी मेरे हिसाब से बेस्ट ब्राउज़र बन चुका है। दिस ब्राउजर इज लीग्स अहेड ऑफ एनी ब्राउजर यू कैन यूज। उसके बाद एक और चीज़, सपोज करो मैंने यहाँ पे लेंसा AI फ्री अल्टरनेटिव्स के बारे में सर्च किया था। अब यहाँ पे मेरे को ये ऑप्शन दे रहा है कि आप लोग इसको चैट के अंदर भी देख सकते हो कि आप लोगों को जो भी चैट जीपीटी का जो भी इनका प्रॉम्प्ट होता है वो क्या आंसर यहाँ पे देगा, उस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। तो इट्स रियली बेटर कि आप लोगों को सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब इन दोनों फीचर्स ने तो मेरे को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंप्रेस करके रख दिया था,
जिसका तीसरा फीचर है ना, दैट इज सोने पे सुहागा। मैं एक आउटलुक यूजर हूँ, आप लोग जीमेल यूजर्स होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे जीमेल को यूज करते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आउटलुक को यूज करता हूँ, यहाँ पे जो कि माइक्रोसॉफ्ट का आप लोगों का जीमेल टाइप चीज होती है उसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो जीमेल होता है ना, मैं अपने सिर्फ प्रोफेशनल कामों के लिए यूज करता हूँ, यहाँ पे जो भी मेरे पर्सनल ईमेल्स होते हैं ना, वो सारे के सारों के लिए मैं यहाँ पे आउटलुक का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ पे से डायरेक्टली आउटलुक की जो भी मेल्स होती है ना, उन सबको मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई भी एक टैब ओपन नहीं करना पड़ा, मुझे यहाँ पे कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ा, मुझे यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड ये सब चीज़ें नहीं डालनी पड़ी, मेरे पास डायरेक्टली साइड में खुला हुआ वहाँ पे आ गया है। इससे बेटर चीज़ मेरे लिए नहीं हो सकती थी। बेसिकली अगर मेरे को किसी भी चीज़ के ऊपर यहाँ पे काम करना होता है ना, तो मेरे को सबसे ज़्यादा चाहिए वहाँ पे प्रोडक्टिविटी। अगर मेरे को थोड़ा सा भी टाइम यहाँ पे सेव हो रहा है ना, तो मैं उस टाइम के लिए यहाँ पे मरता हूँ। मेरे को पता है कि अगर मैं उस टाइम को यहाँ पे बचा लूंगा, तो मैं उस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर मेरी मेल्स के लिए मेरे को बार बार टैब्स नहीं खोलने पड़ रहे हैं, सारे के सारे जो भी गूगल क्रोम के फीचर्स थे वो सारे के सारे मेरे को यहाँ पे भी मिल रहे हैं, प्लस सम एक्स्ट्रा फीचर्स मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इट्स बेटर कि मैं यहाँ पे इसको स्विच कर दूँ। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं मैक के ऊपर होके एज का यूज़ कर रहा हूँ। एज एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है एंड ये एक एप्पल का प्रोडक्ट है। आप लोग एप्पल के प्रोडक्ट के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ें कभी भी जचती नहीं है। लेकिन ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, स्पेशली द चैट जीपीटी फीचर, जिसके वजह से मेरे बहुत ज़्यादा कामों में मुझे हेल्प मिलने लगी है। अगर आप लोगों को चैट जीपीटी या फिर बिंग ब्राउजर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, जिसके अंदर मैं उसके जो भी एआई है उसके बारे में रिव्यू करूं, तब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आप लोग तब तक के लिए बाय।